की है कि यहाँ देखें कि जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का निज़ाम है जी वो कैसा चल रहा है, और हमारी जो 60 के करीब सर्विसेज हैं उनमें 55 के करीब ऑनलाइन हैं वो कैसी चल रही हैं, और बाकी जो कामकाज हैं हमारे दफ्तर का क्या हाल है, ट्रांसपोर्टरों की क्या ग्रीवेंसेज है। अभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हमारी मीटिंग हुई जी, उनसे मैं फीडबैक लेना चाहता था कि हमारा कामकाज कैसा है और मजीद उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, तो उस सिलसिले में हमारी बातचीत हुई। उसके अलावा जो कुछ नया निज़ाम है लोगों की ग्रीवेंसी ई चलान के बारे में दूसरे के बारे में, हमें उनको समझाया और बात की कि हम दोनों कॉमन स्टेक होल्डर हैं जी, और हम सब का मोटिव और मुद्दा ये है कि रोड सेफ्टी रहे, लोग आराम से काम करें, एक्सीडेंट कम हो, लोगों की कीमती जाने ज़ाया कम हो और बिजनेस अच्छे से चले। और इस सिलसिले में मैंने इनसे गुजारिश की, आपने आरटीओ साहबान से भी गुजारिश की कि जो नया निज़ाम है टेक्नोलॉजी वाला, उनसे ज़िला लेवल पर मीटिंगें करके ट्रेनिंग वर्कशॉप लगा के हमारे ट्रांसपोर्टर साहबान को वाकिफ करवाया जाए, ताकि वो वक्त रहते उनको ये खबर रहे कि ये जो हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे ये चलान हो जाते हैं, ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ट्रांसपोर्टर साहिबान और एमवीडी डिपार्टमेंट और बाकी मिलके इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और उनको पूरा बताएंगे, और ख़ासकर हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं उनको भी हम इस बारे में इक्विप करेंगे, बताएँगे कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे वो बचें, ताकि इस किस्म के चलान और इस किस्म की ब्लैक लिस्टिंग की नौबत ना आए। मैंने खुद देखा, आरटीओ साहब मेरे साथ थे, कि वाकई में ये बिल्डिंग बड़ी जो प्राइवेट बिल्डिंग है बड़ी छोटी पड़ रही है और हमारा कामकाज वहाँ से उतनी बेहतरी से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। लेकिन आरटीओ कश्मीर और एआरटीओ कुपवाड़ा लगातार डिप्टी कमिश्नर साहब के टच में है इस सिलसिले में, लैंड के सिलसिले में, और एक दो लैंडें देखी भी, कहीं एक जगह रिवर बेड निकला और एक जगह कहीं एनओसी नहीं मिला, और इसके अलावा आज एक और लैंड तजवीज़ की गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस लैंड को स्टेट लैंड है अगर वो अदरवाइज फिजिबल पाई गई और सेंट्रली लोकेटेड है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, हम कोशिश करेंगे जल्दी उसको ट्रांसफ़र करवा के, तो आगे अगले साल तक पैसा मंजूर करवा के तो वहाँ बिल्डिंग तामीर की जाए, वो जहाँ के असल मायने में इसकी मदद हो सके और लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो हमारे नए कुछ मंसूबे हैं जैसे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है और स्क्रैप फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें, उसके बारे में भी ट्रांसपोर्टरों को जानकारी दी गई, वो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबान से डीप कॉम साहब के मार्फत सब जगह गुजारिश की गई है, हमको ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन और बाकी जो नए अदारे आने वाले हैं उनके बारे में भी जगह मुहैया करवाई जाएँ। तो ये चीज़ें अंडर प्रोसेस है, ये लैंड के मामले ओवरनाइट नहीं होते, जगह शार्ट लिस्टिंग हो रही हैं और फिर जहाँ शार्ट लिस्ट हो चुकी हैं वैली के कई ज़िलों में, फिर वो आगे के मरहले में हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है ताकि डिविजनल कमीशन से होकर फिर वो अपनी जगह पहुँचे और ट्रांसफर करवाए। अलवर, अगर हम पूरे जे एंड के हवाले से बात करें, ज़्यादातर बिहार एक्सपोनेशन की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है अलवर पूरे जे एंड के? देखें, हमारी यही कोशिश है कि रोड सेफ्टी हमारा नंबर वन प्रायोरिटी है। उसमें दो तीन तरह के पहलू होते हैं, एक तो होता है कि हमारे ड्राइवर वेल इक्विप्ड हों, वेल ट्रेंड हों। उस सिलसिले में हमारा ऑलरेडी एक जम्मू में बहुत बड़ा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले 5-4 महीने में उसका पहला फेज़ मुकम्मल हो जाए, तो वहाँ मरहलावार हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ड्राइवरों को ट्रेन किया जाएगा और मास्टर ट्रेनर भी बनाए जाएंगे ताकि आगे को लोग ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा ज़िला लेवल पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का हमारा मंसूबा है, उनके बारे में मैं ऐड भी निकाली है, और इस बारे में भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को गुजारिश की है कि हमको लैंड मुहैया करवाई जाए ताकि यहाँ वो बनाए जा सकें। इसके अलावा गाड़ियों के फिटनेस का मामला है, फिटनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर सांबा में तैयार हो रहा है, जहाँ के आगे आगे सरकार की ये मंशा है कि सारी फिटनेस जो होगी वो मैनुअल टच से नहीं होगी, ऑटोमेटिक होगी। उस सिलसिले में आपको बता दें, मुझे खुशी हो रही है कि वो हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और उसकी मशीनरी अनदर एक दो महीने में जर्मन से आने वाली है, वो फिट हो जाएगा। इसके अलावा कश्मीर वैली में एक SRTC को हमने लाइसेंस दिया है, पामपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाने का, एक जम्मू में दिया है। इसके अलावा वैली से दो और प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, उनकी लास्ट मिनट कार्रवाई चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि वैली में भी 3-4 इस तरह के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हो जाएंगे, जिससे यहाँ की गाड़ियों को जम्मू की तरफ या दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी ट्रांसपोर्टर साहिबान से गुजारिश की है और यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी आगे बढ़ें, कुपवाड़ा में भी 2-4 इस तरह के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाएँ ताकि यहाँ की गाड़ियों की फिटनेस यहीं हो सके और उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। इसी तरह ये ड्राइवर ट्रेनिंग, फिटनेस, फिर लोगों की अवेयरनेस, आपने देखा होगा रोड सेफ्टी मंथ रहा, तो पूरा महीना
हमने ड्राइवर साहबान को ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी ताकि वो अपना भी ख्याल रखें और एक्सीडेंट्स में बचें और कीमती जाने ज़ाया ना हो। ये सारे स्टेप हम ले रहे हैं, इससे रोड सेफ्टी बनी रहेगी। सर दूर दराज आज मेरा कुपवाड़ा आने का मकसद और करना जाने का मकसद ही यही है कि इसके साथ जो सेंसिटिविटी अटैच है, हम कोशिश करें आरटीओ साहिबान, एआरटीओ साहिबान में खुद दूर दराज पहुंचे और जहां कहीं भी हमारा ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीन्स है, जहां दूर दराज भी, वहां तक लोगों तक हम वो बातें पहुंचाएं और उनको ये बताएं कि मोटी बात जैसे मैंने आपको कही कि अपनी ड्राइविंग स्किल इम्प्रूव करें, गाड़ियों की फिटनेस की तरफ ध्यान दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो अच्छे से गाड़ी चला सके। एक जो दो चार रोज पहले आपने देखा होगा, हमने एक एडवाइजरी निकाली कि पेरेंट्स के लिए कि अपने माइनर बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें और उनके वो कानूनी प्रावधान से भी उनको आगाह करवाया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे। हमारी ये कोशिश है कि अगर एक माइनर अंडर एज बच्चा कोई गाड़ी लेके आ रहा है, वो अपने लिए तो खतरा पैदा कर ही रहा है और जो पेडेस्ट्रियन है, जो दूसरे लोग रोडों में चले, उनके लिए भी खतरे का बायस हो सकता है। तो हम ये सारी जो इज्तमाही कोशिश कर रहे हैं सब फ्रंट पर कि रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके, जिससे हमारा ये ट्रांसपोर्ट का धंधा अच्छे से चले, बिजनेस भी अच्छे से चले और लोगों के जानो माल की भी हिफाजत हो।